हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में, कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज है और किस कंडीशन में किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था और बताया था कि जब हमको एमएस वर्ड को ओपन करना हो तो उसके लिए क्या टाइप करते हैं, विंडो प्लस आर, उसमें टाइप करते हैं क्या, बिन बिन वर्ड। क्या टाइप करते हैं जी, बिन वर्ड, और कर देंगे क्या, ओके। टाइप किया क्या हमने, बिन वर्ड, और ब्लैंक डेस्कटॉप हमने ले लिया। इतना क्लियर है सबको। अब देखो, होम टैब में क्लिपबोर्ड में हमारे चार ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। व्यू में जाके ऐसे होगा, रूलर हाइड होगा ऐसे, ठीक है। व्यू टैब में जाके क्या करना है, शो करा लेना, ऐसे हाइड होता है। समाया, चलिए होम में आते हैं। देखो, कट हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको, कट का क्या यूज है पढ़े थे आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते हो, समझो। कॉपी भी बताया था, पेस्ट भी बताया था। लेकिन देखो, अगला ऑप्शन दिया फॉर्मेट पेंटर, क्या दिया है, फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या यूज है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बना रहा हूं, कुछ टाइप कर रहा, क्या मैं बना रहा हूं, तो कोई भी डाटा अगर हमको बनाने हैं, कुछ टाइप करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो मैंने हेडिंग दिया मेन इनपुट डिवाइसेस, क्या टाइप किया, इनपुट डिवाइसेस, और इसको सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। क्लियर है, ये आप लोग जानते हो ना, बड़ा कैसे करेंगे यहां से। और बड़ा करने के बाद से इसको हमने बोल्ड कर दिया। इतना सबको समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, अब बोल्ड को हम अनचेक कर देंगे। और इनपुट डिवाइसेस में मैंने कुछ डिवाइसेस के मैंने नाम रखे, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं हमारे, क्या क्या हमारे, चलो नीचे आते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, उसके बाद बीसीआर, ये मैंने टाइप कर दिया। अब देखो, यह टाइप करने के बाद से मैंने इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको छोटा कर दिया। इतना सबको समझ आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि यह जो हमारा यह मेटर है, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं, होल्ड भी कर दिया। यहां से मैं कलर कर दूं, कलर भी कर दिया। तो देखो, पहले बोल्ड किया हूं, फिर से मैंने कलर किया है। अब सपोज मान लो इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ और टाइप किया, क्या टाइप किया, तो हमने टाइप किया ओ सी आर,
उसके बाद से ओ एम आर ये टाइप कर दिया। और मैं सोच रहा हूं जैसा फॉर्मेटिंग इसका है, ध्यान देना, जैसा फॉर्मेटिंग इसका है सेम वैसा फॉर्मेटिंग इसका भी हो जाए। आप बताओ क्या करोगे? पहले यहां पे आओगे, देखोगे साइज क्या है 16, तो इसका भी साइज क्या करोगे 16। बोलो उसके बाद क्या है, बोल्ड है, बोल्ड करोगे। उसके बाद से कलर क्या है, रेड है, कलर करोगे रेड। तो सेम ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, जितना ऑप्शन इस पे अप्लाई किया हूं उतना ही ऑप्शन इस पे भी अप्लाई किया। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सेम ऐसा ही जब करना हो और मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है और ऐसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है उसको सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, उस फॉर्मेटिंग को पेंट करेगा और फिर से जहां पे अप्लाई करना है वहां पे फिर से अप्लाई हो जाएगा। बस हो गए, समझे? अब ये जैसा है सेम इसको भी वैसा ही करना है, क्या करेंगे, सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर ड्रैग एंड ड्रॉप। आ रहा जी, मतलब इसका इस्तेमाल कब करेंगे बताओ? फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब हमको सेम फॉर्मेटिंग दूसरे जगह अप्लाई करना, टेक्स्ट पे लिखा हुआ। नहीं समाया? समा रहा है, जैसे मैं यहां पे थोड़ा नीचे आता और मैंने लिख दिया यहां पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लियर है? अब मैंने यहां पे टाइप किया, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा जो फॉर्मेटिंग है ना, इन सब का भी फॉर्मेटिंग वैसा ही हो जाए। तो बस क्या करेंगे, अगर ऐसा करने के लिए क्या करोगे, साइज क्या है बाबू, 28, बोल्ड है ना, आएंगे सेलेक्ट करेंगे साइज को करेंगे 28, बोल्ड तो ही है, कलर को करेंगे ब्लैक, तब तो ऐसा आएगा। लेकिन बस एक बार सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और बस अप्लाई कर दीजिए, सेम वैसा आ जाए। मतलब सेम फॉर्मेटिंग अगर दूसरे जगह पेस्ट करना हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते किसका, फॉर्मेट पेंटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। बना लोगे? चलिए इसके लिए शॉर्टकट भी होता है, अभी यूज करके दिखा रहा था, पहले लिख लो शॉर्टकट की। फॉर्मेट पेंटर का जो शॉर्टकट की होता है, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट प्लस सी। हो गया बाबू, और फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी, अप्लाई फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट भी लिखना।
ये लिख रहे हो तू, वो लिखेगा चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे यह फॉर्मेटिंग है वो कहां लगाना है, यहां पे। ठीक है बाबू, क्या करोगे? सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट सी, और कहां लगाना है, यहां पे कंट्रोल शिफ्ट भी। रहा का बोलो, तैया हमने लिखवाया, सबको समा रहा जी। मतलब यह फॉर्मेटिंग कॉपी करना है, ऑन करना है कंट्रोल शिफ्ट सी, और इस पे पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट भी। हो गया। चलिए अब आते हैं और इसको पूरे को डिलीट करते हैं, और मैं एक-एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना, आगे बढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब देखो, कट भी जाने, कॉपी जाने, पेस्ट जाने, फॉर्मेट प्रिंटर जाने। अब इसमें से देखो कौन कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल किए हो, कौन कौन सा नहीं किए हो, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इसमें सीखिए, अगर एमएस वर्ड में हम सोच रहे हैं कि जितने ऑप्शन उसका प्रैक्टिकल कर सके, और मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है कि लिखूं उसके बाद से प्रैक्टिकल करूं, उसका इस्तेमाल करूं, मतलब सीखना ही है हमको कि किस ऑप्शन का क्या यूज है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि लिखूं तब उसका इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक फार्मूला इस्तेमाल करोगे, एक कोड इस्तेमाल करोगे, लिखा लिखा रेंडम टेक्स आ जाएगा। कैसे? बस करो इक्वल, लिख दो RAND, रैंड, और रेंड ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट कर दो यहां से बंद, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर। देखो अपने आप लिखा लिखा इतना टेक्स्ट आ गया। अब क्या मतलब है? मतलब यही है, मेरे पास टाइम नहीं था कि टाइप करूं तब ऑप्शन का इस्तेमाल करूं, और मुझे सीखना ही है। बोलो, तो उसके लिए रेंडम टेक्स्ट ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट बंद, बाय डिफॉल्ट कितना पैराग्राफ आ गया, पांच। कितना आया? पांच। फिर से देखो, अंडू करता हूं और लिख लो कोड, इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट बंद, और इंटर दबाएंगे। रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर। कौन सा? हाँ, ओपन ब्रैकेट करना हमको, बिग ब्रैकेट नहीं है यार। ठीक है, इसको हम लोग वैसे नॉर्मल वैसे बोलते हैं। ठीक है, देखो हमारे अब कीबोर्ड में हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसको तो आप चाहते हो इतना ज्यादा नहीं चाहिए तो भी कुछ कर सकते हो, और क्या, इक्वल लिखो रैंड करो, और रैंड करने वाले ब्रैकेट को ओपन कर लो, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, और जितना पैराग्राफ चाहिए उतना नंबर टाइप कर दो, अब ब्रैकेट को कर दो यहां से बंद, इंटर दबाते ही जो नंबर टाइप किया उतना पैराग्राफ ओपन हो। क्लियर है? हाँ, 10 टाइप कर दे। आ गया इतना? एक चाहिए तो एक, अगर 10 पैराग्राफ चाहिए तो इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन
तीन चाहिए हमको तो तीन लिख दिया, देखो तीन आ जाएगा, एक दो तीन, ऐसे 10 चाहिए तो 10। ठीक है, एक कोड है, अगर इक्वल करोगे रैंड ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट बंद कर दोगे 5 आ जाएगा, लेकिन हम अपने हिसाब से चाहता हूं 1 2 5 10 15 20 50 उससे भी ज्यादा आ सकता है, ठीक है, ला सकते हैं। और इसका हम लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आसानी तरीके से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो मैं ज्यादातर काम करना इसी से सिखाऊंगा, ठीक है, मतलब टेक्स्ट लिख दूंगा रेंडम और किस ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे सिखा दूंगा। और जहां जहां पे हमको लगेगा लिखना पड़ेगा वहां मैं लिख के भी आपको दिखाऊंगा, समझो। बोलिए क्लियर है? अब मान लीजिए लिख लिया, अब इसके साइज को बड़ा करना है तो पूरे को सेलेक्ट करके यहां से हम साइज बड़ा कर सकते हैं, या यहां से बड़ा छोटा कर सकते हैं, या यहां से बड़ा कर सकते हैं, या यहां से छोटा कर सकते हैं, बोलो। तो बड़ा करना है तो बड़ा भी किया सकता है, छोटा करना है तो छोटा भी किया सकता, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, काम कर ले जाएंगे, बोलो। चलिए, तो ये सिखाया हूं मैं, आप सीखे भी हो, कैसे फॉन्ट चेंज करना है तो कहाँ से चेंज करेंगे, बताया था ना हमने, सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल चाहिए, जो स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में यहाँ से रखा जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी हिंदी में बताऊंगा लिखना भी, में हाँ, सब सब बता रहे हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे सब बताएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? चलिए, इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिए, ये सब ऑप्शन वही है जो हम लोग पढ़े हैं, याद है ना, आप लोग पढ़े हो वर्डपैड में। नया कौन सा ऑप्शन है? नया ऑप्शन है चेंज केस, ए, इसे बोलते हैं चेंज केस, क्या बोलते हैं, चेंज केस, लिख लीजिए। इसके शॉर्टकट की भी होता है, क्या शॉर्टकट की होता है, तो चेंज केस के लिए जो शॉर्टकट की है वह है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। अब देखिए चेंज केस का यूज क्या है, क्या इसका मतलब है और क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे यह समझिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि अल्फाबेट में कितने केस होते हैं, दो केस, कौन कौन से, अपर केस और लोअर केस, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, याद है ना, इन्हीं दोनों केस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस बना सकते हैं, बोलो। तो सपोज मान लीजिए हम काम कर रहे थे और काम करते वक्त मैंने स्मॉल कैपिटल दोनों में लिखा था, लिख दिया था, बहुत ज्यादा लिख दिया था, और बाद में हमसे कहा जा रहा है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक बार में पूरा कैपिटल कर दीजिए, एक बार में पूरा कैपिटल कर दीजिए, मिटाना भी नहीं, कैपिटल कर दीजिए। एक तो तरीका क्या करो, अगर नॉर्मल तरीका अगर ऑप्शन नहीं रहता तो पूरा मिटाते फिर से पूरा कैपिटल लिखते, बोलो। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया है कि हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके या इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम लोग आसानी तरीके से स्मॉल से कैपिटल चेंज कर सकते हैं और कैपिटल से स्मॉल में चेंज कर सकते हैं और स्मॉल से सेंटेंस के इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लिख के दिखा दे रहे हैं, नीचे आ गया, हमने लिखा राम इज ए गुड बॉय, लिख दिया, बोलो। अब मैं लिख दिया हूं लेकिन हमसे कहा जा रहा जो लिखे हो ना वो सब इस्तेमाल में कर दो, क्या कर दो, इस्तेमाल में, तो क्या करोगे, एक तरीका क्या है, पूरी को जाइए डिलीट करिए
और या हम बस इसको सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस में आएंगे, लोअर केस सब इस्तेमाल में हो जाए। देख लो, अरे आर कैपिटल था ना, लेकिन क्या आया इस्तेमाल। क्लियर है? लेकिन हम सोच रहे सब कैपिटल हो जाता, सेलेक्ट अपर आया। हम सोच रहे सेंटेंस किस में आ जाए, तो सेंटेंस किस, रामी जी गुड बाय, उस समय समझ में आया। तो ऐसे जब हम लोग लिखने के बाद भी चेंज करना चाहते हैं तो वह चेंज किया जा सकता है इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करके। तो चलो ये तो समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस किस क्या होता है बोलो, लोअर किस क्या होता है, अपर किस क्या होता है, अगला कैपिटल इच वर्ड इसका मतलब क्या है। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना हो तो इसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो राम इज ए गुड बॉय ऐसे लिखा है, और ऐसा कभी कभी जरूर पड़ता है। और लास्ट है टूगल केस। टूगल केस का मतलब उल्टा होता है, उल्टा मतलब जो इस्तेमाल होगा वो कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल होगा इस्तेमाल में हो जाएगा। जैसे देखो आर कैपिटल में है ना, अभी इस्तेमाल में हो जाएगा, और ए एम जो इस्तेमाल में है ना वो कैपिटल में हो जाएगा। टूगल केस मतलब उल्टा केस हो जाता है। देख लो ऐसा कब इस्तेमाल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें पहला लेटर स्मॉल अदर लेटर कैपिटल होते हैं। तो क्या बताएंगे, टूगल केस। क्या टूगल केस, वहां पे कंडीशन ऐसा आता है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल रखना है तो बस सेलेक्ट करिए और आ जाइए सेंटेंस केस। रामी जी गुड बाय बोलो। ऐसे आप लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये तो ऑप्शन से बताया हूं ना, लेकिन यही आपको इस्तेमाल करना किससे, शॉर्टकट की किस तब, बस सिंपल है। आप इस पूरे को सेलेक्ट करिए जहां तक चाहिए और शिफ्ट के साथ ही F3। देखो सब कैपिटल में हो गया। चलो फिर से सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ F3, सब इस्तेमाल में हो गया। और देखो जब सब इस्तेमाल में हो गया ना, तो पहला वर्ड देखो यहाँ पे एरर आ गया। आया एरर क्यों, क्योंकि सेंटेंस सही नहीं है। और जब ग्रीन कलर का एरर आए तो समझ जाना, ठीक है, मतलब ब्लू आए तो समझ जाना, मतलब सेवन में ग्रीन आता था, अब इसमें ब्लू आ रहा है, मतलब जब ब्लू कलर का एरर आ जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस हमने गलत किया है। क्या गलत किया है, सेंटेंस गलत किया है। और जब रेड कलर का एरर आए तो समझ जाना हमने स्पेलिंग ही गलत किया, दोनों फर्क है। क्या समझे, जब ब्लू आए तो समझना हमने सेंटेंस सही से लिखा नहीं, और जब रेड आ जाए नीचे तो समझना वर्ड हमने जो लिखा है वो गलत स्पेलिंग कुछ ना कुछ। तो देखो हमने सही लिखा है, वीडियो के स्पेलिंग भी सही है, लेकिन सेंटेंस इसका सही नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अभी शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाता हूँ, देखो सेंटेंस किस में आ गया, एरर गायब हो गया। गायब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन देखो जो VI लिखा है ना, अब हम लिख देते हैं VE। अब देखो एरर आ गया रेड कलर, क्यों आया, क्योंकि वीडियो का स्पेलिंग गलत है, वीडियो का स्पेलिंग यह नहीं होता है। क्या होता है, VI होता है। तो देखो देखे VI लिखा गायब, बहुत स्मार्ट बंदा है। जब भी आप लोग लिख रहे हो और लिखते समय अगर मान लो थोड़ा भी गलती हो रहा है तो समझ जाना, एक बार चेक कर लेना रियल में सही है या गलत है। जैसे मान लो हमने लिख दिया, ठीक है, APPL, और गलती से आगे बढ़ गए तो देखो एरर आ गया, मतलब APPL ही होना चाहिए और रेड कलर का एरर आ गया, अब नहीं दिख रहा है ना आपको। तो चलो हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते, इसका कलर कर देते ब्लैक, आ रहा रेड कलर का। नहीं जैसे मैं यहाँ पे आए और कर दिए ई और स्पेस, एरर गायब हो गई। तो अगर आप लोग कभी लिख रहे हो एमएस वर्ड में कुछ एरर आ रहा था, एरर को ध्यान देना, सेंटेंस गलत किया है या हमने स्पेलिंग ही गलत किया है। तो कैसे पता चलेगा स्पेलिंग गलत की है,
जब रेड लाइन आएगा। और कैसे पता चलेगा सेंटेंस गलत है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो समझ आया सबको? कर ले जाएंगे सेंटेंस किसका इस्तेमाल, आपको सबको समझ आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं आगे, इसके बाद से एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब यह है, क्या बताओ, इसको लिखा हूं ना, इसको मैं भी लिखा हूं ना, और लिखने के बाद क्या क्या किया हूं मैं जी, इसको बोल्ड किया हूं यह फॉर्मेटिंग है, इसको कलर किया हूं यह फॉर्मेटिंग है, इसका साइज छोटा बड़ा किया हूं फॉर्मेटिंग है। अब पूरा फॉर्मेटिंग एक बार में क्लियर करना है, जैसा था वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लियर फॉर्मेट। बस देखो लिखा है राम इज गुड बॉय, क्या समझे? जैसे लिखा है और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, साइज बड़ा कर देता हूँ, और मैं सोच रहा फिर से हटाऊं तो क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, अनबोल्ड करूंगा, साइज यहां से छोटा करूंगा, और हम सोच रहे एक बार में सब हट जाए, सही हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए, इसके लिए क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दे। बस समझ आया क्या मतलब है? तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स बनाते समय आपके सामने बार बार आएगा, और बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके पास बुक भी है, बुक से देख देख के टाइप करो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? और तब अच्छे से आसानी तरीके से बुक बनाना सीख जाओगे, और सारे ऑप्शन का यूज करना भी सीख जाओगे, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बुक है दो जी, और मान लीजिए बुक में देखो यहाँ पे बहुत सारे मैटर बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, तो सपोज मान लो हमको पहला लेसन स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है? पहला लेसन स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 1.0 इंट्रोडक्शन लिखा गया है ना, तो यहाँ पे मान लो आ जाएंगे, लिखेंगे 1.0, ठीक है, उसका स्पेस दे दिया और लिखना इंट्रोडक्शन, लिख दिया, और यहाँ पे आने के बाद से क्या कि इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देंगे, और बड़ा करने के बाद से देखो हाईलाइट किया गया, इसको किया गया है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जो भी कलर से हाईलाइट करना उसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से इसका कलर बैकग्राउंड, और कलर क्या कर देंगे इसका व्हाइट, ब्लैक पे व्हाइट टेक्स्ट का कलर आएगा ना, तब तो दिखेगा। बस आ गया, बना लोगे ना, उसके नीचे इंटर बटन दबाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं, 0.1 है, और यहाँ पे आते हैं, और मैटर लिखना है इसके बारे में, देखो जो भी लिखा है यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, ठीक है, और कलर व्हाइट किया हो तो क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ ब्लैक तो काम ही नहीं करेगा, और लिखना है इन, अब जो भी है इन, यहाँ पे सही भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत गलती करोगे, क्या बताया गया है कि प्रेजेंट ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे तुरंत बताया गया है, ठीक है, फिर से बताया जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ आ रहा बात है ना आपको, ऐसे एक एक करके टाइप करना, जिससे धीरे धीरे आपको बनाना भी आ जाएगा और काम भी कर ले जाओगे, और आप लोग का अगर टाइपिंग स्पीड सही हो तो देखो यह गलती कर दिया हमने, स्पेस नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना, तो आप लोग ऐसे टाइप करना, ठीक है, मेक यूज, ठीक है, कंप्यूटर, तो जो भी टाइप करने हैं टाइप करके इन वन वे, तो आप लोग जब टाइपिंग स्पीड आपका फास्ट रहेगा तो और भी अच्छे से आप टाइपिंग कर ले जाओगे, और आसानी तरीके से डाटा को सेव कर ले जाओगे, जहां जहां आपको टाइप करने हैं वहां वहां आप क्या कर लोगे, टाइप कर लोगे ऐसे, आ रहा बाबू, और इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा आप अपने हिसाब से चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, और आने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से इटैलिक कर देंगे, थोड़ा और थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा, और ऐसे एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जितना ऑप्शन मैं बताया हूँ आज सब इस्तेमाल करोगे ना आप लोग, बोले यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा जितना ऑप्शन में जो पहले से पढ़ाया हूँ वो तो बताया नहीं हूं मैं, तो ये भी यूज कर लेना,
जिससे आगे चल के मैं पैराग्राफ सही से पढ़ा सकूं और आपको मैं आसानी तरीके से बता सकूं। क्लियर है, कर ले जाएंगे। चलो अब बताओ, इसमें एक और ऑप्शन उसको भी सीख लो, क्योंकि कंट्रोल एन दबाते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया, स्टाइल। देखो करा टेक्स्ट इफेक्ट इन, ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो बहुत सारे देखो टेक्स्ट के स्टाइल दिए गए हैं, कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और टाइप किया क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे आने बस इसका देखो स्टाइल थोड़ा बड़ा कर लेते थे, ये ऐसे स्टाइल में आएगा। देखो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग ही रहेगा, लुक इसका अलग है ना। स्टाइल यहाँ से चेंज करना है, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो। कैसे रखना है इसको देखो, अलग अलग फॉर्मेटिंग दी है, अच्छा भी दिख रहा है। और भी क्या स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अब आइए इसके अंदर आउटलाइन थोड़ा और मोटा कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन का कलर देना है, आउटलाइन का यहाँ से कलर दे सकते हैं। मतलब आप और भी अच्छे से इसको फॉर्मेटिंग करके डिजाइन कर सकते हैं, तो और भी यहाँ पे सेलेक्ट करके और इस्तेमाल करते जाना, जैसे करोगे सब इस्तेमाल दिखेगा आपको। शैडो देना इफेक्ट, शैडो इफेक्ट दे दिया, थोड़ा और साइज बड़ा करना, बस ऐसे आ रहा है, आया ना। तो स्टाइल अलग अलग दे सकते हैं, तो आप इन सबका इस्तेमाल करके देखिए, एक एक ऑप्शन का यूज करके देखिएगा कि काम कर रहा है कि नहीं है, जो सीखा हूं भूला तो नहीं है, याद है कि नहीं है, और ऐसे नोट्स बनाइएगा। कल से मैं पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा, स्टाइल के बारे में बताऊंगा, एडिटिंग के बारे में बताऊंगा।